देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। देश में नई नई प्रतिभाएं नए नए क्षेत्रों में हाथ आजमाकर सफलता की वार्ता लिख रही हैं। इस मामले में उत्तराखंड की देवभूमि ऋषिकेश भी पीछे नहीं रही। पिछले कुछ वर्षों में शहर की अनेकों प्रतिभाओं ने ऋषिकेश को गौरवान्वित करने का काम किया है। इसी कड़ी में IDPL निवासी यश रावत यंगस्टर डीजी प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आया है। उसके पिता दीपक रावत उत्तराखंड पुलिस में SI हैं। यश रावत ने दो दिन शहर में आयोजित हुई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल म्यूजिक नाइट में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से जिस प्रकार की धूम मचाई है उससे हर कोई हैरान है। यहां तक कि उसके पिता भी भूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए यश ने कार्यक्रम में गढ़वाली गीतों पर जिस प्रकार EDM का प्रयोग किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अब तक पंजाबी वेस्टर्न और हिंदी हिट नंबरों पर ही EDM की तकनीक छाई रहती थी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बिना किसी ट्रेनिंग लिए रात रात भर YouTube से न सिर्फ यह कला सीखी बल्कि इसी के जरिए अपनी पहली ही धमाकेदार परफॉर्मेंस से धूम भी मचा दी। कार्यक्रम में मौजूद रही पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गुसाई ने भी यश की प्रतिभा को जमकर सराहा। यश के अनुसार इसी क्षेत्र में वह आगे बढ़कर नाम कमाना चाहता है। यश ने बताया कि इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह बेंगलोर में जाकर ग्रेट ग्रेजुएशन AR रहमान के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेगा और EDM के क्षेत्र में ही अपने करियर को ऊंची उड़ान देगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से संवाददाता अमित सूरी की रिपोर्ट। मैं 16 साल का हूं और मैं ऋषिकेश में DSB इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का छात्र हूं। मेरे को पापा ने बहुत ही सपोर्ट किया है। वैसे स्टार्टिंग में मम्मी पापा मेरे ये सब करने से खुश नहीं थे, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन नॉलेज होने के बाद उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है। मेरा भविष्य में ये प्लान है कि मैं अपनी गढ़वाली संस्कृति के गीतों को फेमस करना चाहता हूँ EDM के प्लेटफॉर्म पे लाकर। जी, ये गढ़वाली सॉन्ग्स का कभी तक आज तक कोई EDM नहीं हुआ है। अभी मैंने हाल ही में 14 तारीख को एक परफॉर्मेंस दी थी परशुराम हॉल पे, वहाँ पे मैंने गढ़वाली सॉन्गों को EDM के साथ मिक्स करा था, जो कि खास मेहमानों द्वारा बहुत ही सराहा गया और मेरे को ये सब करने पर बहुत ही खुशी मिली।